बोकारो के जास थाना क्षेत्र के बड़कोली बूढ़ा बाबा मंदिर के पास चिड़का धाम बोलबम सेवा से लौटे गाड़ी में बिजली के तार छूने से घटी घटना। बिजली के खंभे से नीचे झूल रही बिजली के तार से शॉर्ट सर्किट से एक युवक रोनित बाउरी की मौत हो गई और तीन झुलस गए। झुलसे दो युवकों का बोकारो जनरल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और एक का निजी अस्पताल में। लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के बाद लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुखद घटना हम लोगों चास के लिए है। कवरिया संघ से सभी लोग सेवा करके आ रहे थे और उसी बीच में शिव बाबा बूढ़ा बाबा मंदिर के करीब करीब मस्जिद के सामने टर्निंग पे बिजली के तार झुका होने के वजह से गाड़ी में करंट आ गई। उसमें बड़कुली निवासी रोनित बाउरी जी की मौत हो गई है। ये बिजली विभाग का तानाशाही और मनमानी रवैया की वजह से पूरे चास बोकारो की स्थिति बनी हुई है। पर डे हादसा हो रहा है। अभी बीच में आपने देखा था ताजिया में भी चार लोग डेथ किए थे। तो ये बिजली विभाग कब चेतेगा, पता नहीं कितनी मौतों को इंतजार कर रहा है। बिजली विभाग पूरे कई बार बोलने पर भी एक्सिक्यूटिव को एसी को और एसडीओ को कई बार समझाने के बाद कई बार अप्लीकेशन हमारे बोकारो विधायक रंजीत नारायण जी ने भी जाकर वार्ता की, लेकिन अभी तक कोई सार्थक पहल बिजली विभाग की तरफ से नहीं है। बिजली विभाग अगर सभी चास क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में अगर सभी जर्जर तारों को ठीक करने का काम नहीं किया और जो मृतक है रोनित बाउरी और जो घायल है उसको उचित मुआवजा देने का काम नहीं किया, तो निश्चित रूप से बिजली विभाग, हम लोग पूरे चास बोकारो वासी आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे और निश्चित रूप से बाध्य होकर बिजली विभाग को समझ में आएगा कि इसके लिए क्या करना है। धन्यवाद।